मध्य प्रदेश के कई मजदूर बाहर के राज्यों में फंसे हैं, कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई अन्य राज्यों में है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण वो मध्य प्रदेश लौट नहीं पा रहे हैं। हमने यथासंभव कोशिश की है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके कि उनके आवास और भोजन की व्यवस्था वहीं हो, वो कष्ट में हैं, इसलिए उनकी तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए आज मैंने फैसला किया है कि ऐसे हर एक मजदूर के खाते में 1,000 रुपया डाले जाएंगे। हम यहाँ पैसा डालेंगे उनके खाते में और वो जहाँ है वहाँ से ये पैसा निकाल सकेंगे। मैं उन मजदूर भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, वो चिंता ना करें, आवश्यकता पड़ी तो और पैसे भेजे जाएंगे, जो जहाँ है वहीं रहें। दिक्कत और परेशानी में सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान करता हूँ, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कि उनके क्षेत्र के जो मजदूर जहाँ फंसे हैं तत्काल उनकी सूची बना के मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाए, कलेक्टर्स को भिजवाए, और जैसे जैसे सूची आती जाएगी उनका अकाउंट नंबर आता जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए, हम तत्काल उनके खाते में पैसे डालते जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो और मदद करेंगे। संकट के समय सरकार अपने मजदूर भाई बहनों के साथ खड़ी है और मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगह फसल की कटाई के बाद मजदूरों के पास काम खत्म हो गया है। उन मजदूरों के भी भोजन की, आवास की पूरी व्यवस्था बनाने के निर्देश मैं कलेक्टर्स को दे रहा हूँ। जनप्रतिनिधि भाई बहन भी चिंता करेंगे उनकी, उनके लिए अन्न की, राशन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अभी जितने राशन कार्ड धारी हैं उनको इस महीने से फिर हम तैयारी कर रहे हैं 2-2 महीने का राशन देने का निशुल्क, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं, 1 किलो दाल। लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी अगर कहीं फंसे हैं तो उनके लिए भी राशन देने की व्यवस्था की जाएगी। संकट के समय हम अपने गरीब भाई बहनों को भूखा नहीं रहने देंगे, सरकार पूरी व्यवस्था करेगी। जनप्रतिनिधि भाई बहन भी लगे, सूची बनाए, ताकि तत्काल हम ये व्यवस्था कर पाएं।